सब्सक्राइब कीजिए कूलटेक चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को रोजाना ऑनलाइन मनी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू कूलटेक अगेन। तो गाइस, बहुत दिनों से बहुत सारे लोग कमेंट्स बॉक्स में ये पूछ रहे हैं कि आप बुकमाइशो पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं और कुछ ऐसे वीडियो बनाए जिसमें हम लोग कस्टमाइज्ड कट बुक कर सकें। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था, क्योंकि बुकमाइशो कोई ऐसा कोड लॉन्च नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं। क्योंकि जब बुकमाइशो कोड लॉन्च करेगा तभी मैं वीडियो बना सकता हूं, अदरवाइज वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ऐसे सिंपल छोटे मोटे ऑफर्स तो आते रहते हैं, तब भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं, आप लोग को बता देता हूं उन सब चीजों के बारे में। तो अभी जब मैं प्रेजेंटली ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो बुकमाइशो का कोई ऑफर नहीं चल रहा है, ये मैं बता देता हूं आपको। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक हो सकता है लॉन्च कर दे, मींस कभी भी आ सकता है कोड, ऐसी कोई बात नहीं, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, इसलिए इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता। बट इसके साथ ही कुछ ऑफर्स जरूर बुकमाइशो पर चल रहे हैं जो मुझे लग रहा अच्छा है, आप लोग को उसके बारे में पता होना चाहिए। तो टोटली सारे ऑफर्स को छांटने के बाद मैंने 5 ऑफर्स निकाले हैं जो आप लोग के लिए अच्छे हो सकते हैं। अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बुकमाइशो के कोई कोड नहीं चल रहा है, इसके बारे में आप लोग को पहले ही बता देता हूं। तो अगर आप उन 5 ऑफर्स को जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो गाइस, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं 5 ऑफर्स के बारे में आप लोग को बताऊंगा, बट डेमो के साथ आप लोग को नहीं दिखाऊंगा उन चीजों को करके। क्योंकि अगर मैं 5 ऑफर्स को सारी चीजें डेमो के साथ आप लोग को करके दिखाऊंगा तो वीडियो कम से कम आधे घंटे का हो जाएगा। तो सारी चीजों पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो उसके बाद ही अगर आपको जो चीज समझ में आएगी वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं पहले ऑफर्स की तरफ आता हूं। तो पहला ऑफर है पेजैप का। पेजैप के बारे में तो हमेशा मैं कहता हूँ कि आप जब भी टिकट बनाने जाइए बुकमाइशो की, तो पेजैप पे जाके आप जरूर एक बार देख लीजिए कि कोई ऑफर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बता दिया कि बुकमाइशो का कोई कोड नहीं चल रहा है इस समय। तो बुकमाइशो का कोड अगर आ जाता है जब आप इस वीडियो को देखते हैं तब, तो सिंपली आप बुकमाइशो का कोड जो होता है वो आप टिकट बुकिंग में अप्लाई करिएगा, आपकी टिकट में डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट मेथड पे जाने के लिए आप पेजैप को यूज करिएगा, तो उसमें आपको 31 मार्च तक 25% तक का कैशबैक मिल जाएगा। तो अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू 250 रुपए तक होगी, तो अगर आप 300 रुपए तक की कोई टिकट बुक कर रहे हैं या कुछ भी, तो आप उसमें आप बुकमाइशो का भी कोड लगा दीजिएगा जब आ जाता है तब, अगर नहीं आता है तो फिर आप 25% का कैशबैक आप ले लीजिएगा पेजैप से। तो पेजैप से आप वो जो कैशबैक मिलेगा वो आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सबसे पहला फायदा है आपको पेजैप से बुक करने के लिए। इसके बाद दूसरा एक मैं आपको बता देता हूँ, अमेजन पे। ये भी मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप टिकट बुक करने जाइए तो पेजैप और अमेजन पे को जरूर चेक कर लीजिए। तो आप अमेजन पे पर जाइएगा, बट अमेजन पे ने अपना कैशबैक को घटा दिया, अभी तक वो 150 रुपए का कैशबैक दे रहा था, बट लास्ट अब उन्होंने 100 रुपए कर दिया, तो आपको 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो आपको अगर बुकमाइशो पर कोई कोड लग जाता है तो बुकमाइशो पर उस कोड को लगाइए, उसके बाद पेमेंट मेथड में जाने के बाद आप अमेजन पे से आप पेमेंट कर दीजिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने अमेजन पे वॉलेट में कुछ पैसा लोड करें, सिंपली आप अमेजन पे वेबसाइट में जाइए, वहां पे अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिएगा, आपको कैशबैक अमेजन पर मिल जाएगा। बट वो कैशबैक जो है वो नॉट ट्रांसफरेबल होता है, वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो पैसा 100 रुपए तक का कैशबैक मिले उससे बुकमाइशो का एक गिफ्ट कार्ड परचेज कर लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम बुकिंग में उसको आप यूज कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये 2 ऑफर्स हो गए। इसके बाद तीसरे ऑफर्स की बात करें तो उसमें एक ऑफर इस समय चल रहा है पेपॉल का। तो पेपॉल के ऑफर के बारे में मैंने अभी तक तो आप लोग को नहीं बताया, बट आज मैं बता देता हूँ। अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तक उसकी मैक्सिमम लिमिट ज्यादा थी, मीन्स आप 500 रुपए तक की जब टिकट बुक करते थे तब आपको ऑफ मिलता था। क्योंकि मुझे लगता है 500 रुपए तक की टिकट बुक करता है आदमी तो शायद नहीं भी करता है, छोटे छोटे पार्ट में बुक करता है। तो अगर आप 500 रुपए तक की बुक करते थे तब ऑफ मिलता था, बट इस समय वो उसने वैल्यू घटा के 300 रुपए कर दिए। तो इसके लिए थोड़ा सा एक चीज और भी है, वीडियो ना बनाने के कारण मैंने पेपॉल के बारे में आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा हार्ड होता है। ये मैंने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो थोड़ा सा हार्ड लगा था मुझे, तो इसलिए मुझे लगा पता नहीं लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन उसमें कर देंगे, तो आप पेपॉल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा या उसकी वेबसाइट खोल के उस पर आप लॉग इन कर साइन अप कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स भर दीजिएगा, उसके बाद अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को उस पर ऐड कर लीजिएगा। कुछ प्रोसेस होता है, कोशिश करिएगा कि आप उसको कर लीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं कभी हो सकता है वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। तो उसके बाद जब पूरा चीज ऐड हो जाएगी, आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उस पर ऐड हो जाएगा, तो फिर आप रेगुलर टिकट बुकिंग पर जाइएगा बुकमाइशो की, जो भी कोड्स होते हैं उसको आप एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद पेमेंट मेथड के रूप में इस बार पेपॉल को यूज करिएगा। तो अगर आप 300 रुपए तक की टिकट आप बनाने जा रहे हैं, 300 रुपए या 300 रुपए से ऊपर की, तो 100 रुपए का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये हो गए 3 ऑफर। तो इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो
इस जो अब मैं नेक्स्ट आपको जो भी बताऊंगा उसमें आपको बुक माई शो का कोड अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आप वो ऑफर अवेल नहीं कर पाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, या फिर वो ऑफर लेंगे तो बुक माई शो का कोड नहीं लगा पाएंगे। लास्ट के जो तीन मैंने बताया उसमें आप दोनों को लगा सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, बट इसमें आप नहीं कर पाएंगे जो कि अभी कोई कोड नहीं चल रहा है। तो सिंपली आप इन ऑफर्स को भी अवेल कर सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ पॉकेट्स वॉलेट की। तो पॉकेट्स वॉलेट को मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत अच्छा वॉलेट है। मैंने जो एक वीडियो बनाया था कि 5 मस्ट हैव वॉलेट्स फॉर योर एंड्रॉइड मोबाइल, तो उसके में भी मैंने उसको जगह दी थी। तो आप पॉकेट्स वॉलेट को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद आपको एक सिंपल डेबिट कार्ड उसमें वर्चुअल मिल जाता है जिसका आप हार्ड भी मंगवा सकते हैं। मीन्स आपको जो डेबिट कार्ड होता है आपके घर पे सेंड कर दिया जाएगा, तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, आप रेगुलर टिकट बुकिंग पर जाइए। अगर आप वीकेंड डेज में बुक कर रहे हैं तब हाँ ये इसकी सब थोड़ी सी कमी आप कह सकते हैं। अगर आप सैटरडे संडे को ओनली टिकट बुक कर रहे हैं तो आप जाइए और वहां जाने के बाद मीन्स बुक माई शो पर जाइए, उसको जाने के बाद आप सिंपल रेगुलर टिकट बुकिंग पर जाइए, पेमेंट मेथड में जाने के बाद अवेल ऑफर्स में जाइए, वहां पर आपको पॉकेट्स का एक ऑफर मिल जाएगा। उस पॉकेट्स के ऑफर में जाने के बाद अगर आप 300 रुपए की टिकट बुक कर रहे हैं सैटरडे या संडे को तो 100 रुपए का आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। तो ये हो गया पॉकेट्स का ऑफर, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आप सैटरडे संडे को टिकट बुक कर रहे हैं और आपकी वैल्यू 300 रुपए या उससे ऊपर है। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑफर है एक्सिस बैंक का ASAP अकाउंट का ऑफर। इसके लिए आप सिंपली अपने लैपटॉप पे जाइएगा, अपने मोबाइल पर हो सकता है आप ट्राई करिएगा ब्राउजर से, अगर आप बन जाता है अकाउंट तब, नहीं तो आप लैपटॉप पे ट्राई करिएगा। मेरे मोबाइल से नहीं बन पाया था। तो आप ASAP गूगल पर सर्च करिएगा एक्सिस बैंक ASAP अकाउंट, उसका जाने के बाद उस पर आपको एक सेविंग्स अकाउंट अपना ओपन करना पड़ेगा। सेविंग्स अकाउंट आप ओपन कर लीजिएगा जो आपसे आधार कार्ड डिटेल मांगेगा, मैंने भी दिया था बट फाइनली मेरा ओपन नहीं हो पाया था। तो आप आधार कार्ड डिटेल डालिएगा, OTP डालिएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसको खुलने के बाद आपको एक डेबिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप सिंपली बुक माई शो पर जाइएगा, वहां जाने पर टिकट रेगुलर टिकट बुकिंग पर जाइएगा, वहां पर आप पेमेंट मेथड आप यहां पे बुक माई शो का कूपन नहीं लगा पाएंगे। तो आप सिंपली अवेल ऑफर्स में जाइएगा, वहां जाने के बाद आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर्स में जाने के बाद एक्सिस बैंक ASAP ऑफर वाला एक सेक्शन मिलेगा, वहां जाने के बाद आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। वहां पर जो डेबिट कार्ड डिटेल आपको ASAP अकाउंट की मिलेगी वर्चुअल डेबिट कार्ड की वो डाल दीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा 150 रुपए का। बट इसमें भी एक कमी ये है कि आपको 500 रुपए की टिकट होनी चाहिए तभी आपको ऑफ मिलेगा, अदरवाइज आपको ऑफ नहीं मिलेगा। तो ये हो गए एक्सिस बैंक ASAP अकाउंट का ऑफर। इसके बाद भी एक चीज मैं इसमें और ऐड कर देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि अगर आप अमेजन पे वाला ऑफर लेने जा रहे हैं या उसका आप कैशबैक लेने जा रहे हैं तो उसमें एक आप स्मार्ट ट्रिक यूज करिएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ अगर स्मार्ट ट्रिक यूज करते हैं तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा ऑफ ले सकते हैं। इसके लिए आप ये कीजिएगा कि आप पेज में भी आप देखेंगे जाके कि एक नया ऑफर आया है कि बिलर को आप किसी भी पेमेंट करते हैं तो आपको एक स्क्रैच कार्ड मिल जाता है। तो आप सिंपली जितने की भी टिकट हो उतने पैसे का एक गिफ्ट कार्ड आप परचेज कर लीजिएगा वोहू से, और उसकी पेमेंट आप तेज से कर दीजिएगा। तो तेज पर आपको एक स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, उसको स्क्रैच कर दीजिएगा, चांसेस है उसमें भी आपका पैसा निकल जाएगा। उसके साथ ही उस पैसे को आप ऐड कर लीजिए जो वोहू का जो कार्ड मिलेगा उससे आप अमेज़न पर जाके पैसे को ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद पेमेंट आप कर दीजिएगा अमेज़न पे से, तो आपको अमेज़न पर भी कैशबैक मिल जाएगा। इस तरह से आपको तेज पर भी एक स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा और आपको अमेज़न पर भी एक जो 100 रुपए का कैशबैक है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से स्मार्टली आप अमेज़न पे वाले को यूज कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, आप अमेज़न वोहू से जाके अमेज़न का एक गिफ्ट कार्ड परचेज करिएगा जितने की भी टिकट हो उतने का, और उसके बाद उसकी पेमेंट तेज से कर दीजिएगा तो तेज पे स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा और उस पैसे को अमेज़न पर ऐड कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद जब बुक माई शो की टिकट होती है उसकी पेमेंट आप अमेज़न पे से कर दीजिएगा तो आपको अमेज़न पर भी कैशबैक मिल जाएगा और स्क्रैच कार्ड में हो सकता है पैसा निकल जाएगा। तो ये सारे ऑफर्स थे जो इस प्रेजेंटली चल रहे हैं जो मुझे सही लगे। ऑफर्स बहुत सारे हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है SBI का, सिग्नेचर का, या इस तरह के कुछ क्रेडिट कार्ड है, ICICI का आपके पास कार्ड है तो आपको एक पर एक मिल जाता है। बट मुझे नहीं लगता कि क्रेडिट कार्ड वाले लोग इस चैनल को देख रहे होंगे, सिंपल जो कुछ लोग कम पैसा खर्च करना चाहते हैं वो देखते हैं चैनल इस तरह के, अदरवाइज जिनके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो ऑफर्स पे नहीं जाते हैं, सीधे टिकट बुक कर लेते हैं। ये सारे ऑफर्स थे तो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा सारी चीजों के बारे में। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि कुछ वीडियोस मेरे पेंडिंग है तो मैं आपसे खुद भी पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सा वीडियो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कौन सा वीडियो आप पहले देखना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहला वीडियो तो एक मैं ये बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें 10-20 हजार रुपए नहीं लेकिन आप पॉकेट मनी 2-3 हजार रुपए तक आप कमा सकते हैं, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा मैं। दूसरा वीडियो है किस तरह से आप अपने गिफ्ट कार्ड को सेल कर सकते हैं ऑनलाइन जो अनयूज्ड गिफ्ट कार्ड होते हैं, बट उसमें आपको मैं बताऊंगा वोहू के बारे में, आप मत सोचिएगा वोहू पर मैं नहीं बताऊंगा, वोहू मैं यूज नहीं करता।
बताऊं गिफ्ट कार्ड सेल करने के लिए। दूसरी वेबसाइट है जो ज्यादा अच्छी है बुकमी से, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। इसके साथ में एक तीसरा वीडियो मैं और बनाने की सोच रहा हूँ जिसको मैं प्रायोरिटी कम देता हूँ फोन पे पर। तो फोन पे वाली बात को लेकर मैं किसी केस के उस केस के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ, बट कुछ चीजें मुझे पता चली हैं कुछ लोगों से कि किस तरह की एरर होने की वजह से इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोग फेस कर रहे हैं और जो मैंने भी फेस की वो किस वजह से फेस की, इस बारे में भी कुछ चीजें पता चली है। तो अगर आप वो चाहते हैं मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ तो आप बताइएगा, अदरवाइज इसको प्रायोरिटी में नहीं देता हूँ। जो मैंने अर्निंग वाला और जो गिफ्ट कार्ड सेल वाला है इसको मैंने बताया, इसके बारे में आप बता दीजिएगा आप कौन सा वीडियो पहले देखना चाहते हैं, उसके बारे में आप लोग को सारी चीजें बता दूंगा। तो चलिए ठीक है, सारी चीजें हो गई, सारे ऑफर्स मैंने आप लोग को बता दिए। ये ऑफर्स जो है सारे फरवरी तक चल रहे हैं और कुछ फरवरी तक चल रहे हैं, कुछ मार्च तक और कुछ अप्रैल तक भी चल रहे हैं। तो आप जब भी किसी ऑफर को लेने जाएं तो उसकी आप वैलिडिटी जरूर देख लीजिएगा, अलग अलग वैलिडिटी के अलग अलग हैं। तो चलिए ठीक है, एंड करते हैं इस वीडियो को, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आप हैं तो इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफर्स के वीडियो आपसे मिस नहीं होते। इसके साथ ही जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।